डेटा इज द न्यू ऑयल, यानी डेटा नया तेल है। जिस तरह आज के डेट में हम लोग की निर्भरता तेल पर बनी हुई है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब डेटा तेल की जगह ले लेगा। यही बात भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति को नया धांसु प्लान लाने पर मजबूर कर रही है। अब क्या है अडानी की नई योजना, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। देश के दिग्गज उद्योगपति और कारोबारी गौतम अडानी की ग्रुप देश भर में डेटा सेंटर खोलने की योजना बना रही है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी कनेक्ट्स की योजना 10 साल में 1000 मेगावाट के डेटा केंद्र बनाने की है। इसके लिए देश में आधा दर्जन शहरों की पहचान कर ली गई है जहां नए यूनिट को लगाया जाएगा। अब डेटा केंद्र क्या होता है ये आप जान लीजिए। डेटा केंद्र की क्षमता का आकलन उसके द्वार खपत की जाने वाली बिजली के आधार पर किया जाता है। बाजार पर शोध करने वाली कंपनी एरिस्टन के अनुसार 2021 में भारत में डेटा केंद्रों का बाजार 447 मेगावाट था, जिसका मार्केट वैल्यू 10.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी 87,000 करोड़ रुपए है। डेटा केंद्र सूचना प्रौद्योगिक आईटी, सूचना प्रौद्योगिक सक्षम सेवाओं ITES, क्लाउड का डेवलपमेंट, संचालन, रखरखाव से संबंधित सेवाएं देने का काम करती है। डेटा सेंटर बिजनेस करने के लिए अंडर सी केबल की जरूरत होती है, इसको सबमरीन केबल भी कहा जाता है। अभी भारत के में केवल 2 जगहों पर ये केबल नेटवर्क बिछा हुआ है, पहला मुंबई में और दूसरा चेन्नई में। अडानी की इस 10 साल में 1000 मेगावाट के डेटा केंद्र बनाने की योजना से देश के दक्षिणी हिस्से, देश के पूर्वी हिस्से और देश के मध्य हिस्से में केबल बिछाकर कनेक्टिविटी जोड़ने की है। अडानी ग्रुप पहला 6 डेटा सेंटर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे शहरों में बनाएगी। बता दें, सरकार भारत को ग्लोबल डिजिटल अब बनाने के लिए जी जान से लगी हुई है। इसके तहत सरकार डेटा सेंटर को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे चुकी है। इससे देश को तेज गति से बढ़ने में मदद होगा और भारत जल्द ही डेटा के मामले में सुपर पावर बन सकेगा। अभी फिलहाल भारत में 550 मेगावाट का डेटा सेंटर मौजूद है, जिससे बहुत सारा डेटा देश के बाहर चल जाता है। तो अडानी की नई योजना से जल्द ही भारत डेटा का राजा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।